Hello students, this is Amit Tiwari, your economics teacher. Students, I will be teaching you statistics part of economics, and in today's video lecture we will discuss the concept of economics and significance of statistics in economics. आज हम economics के basic concepts को discuss करेंगे और ये देखेंगे कि statistics economics के लिए किस तरीके से important होता है. So before proceeding further, let us discuss the definition of economics. So economics is a social science concerned with the production, consumption and distribution of goods and services, and it is further divided into macro and microeconomics. Economics को हम एक social science के subject की तरह पढ़ते हैं, जिसमें कि हम वस्तुओं और services, सेवाओं के प्रोडक्शन, उनके कंजम्पशन और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं. इकोनॉमिक्स को हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन मेक डिसीजंस इन द फेस ऑफ स्केयरसिटी. दीज डिसीजंस कैन बी इंडिविजुअल डिसीजंस, फैमिली डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस और सोसाइटल डिसीजंस. इकोनॉमिक्स को हम ह्यूमन के द्वारा लिए गए डिसीजंस की स्टडी के लिए भी यूज़ करते हैं. इंसान किस तरीके से रिसोर्सेज के स्केयरसिटी में डिसीजंस लेता है, इसकी हम स्टडी करते हैं. ये डिसीजंस इंडिविजुअल डिसीजंस भी हो सकते हैं, फैमिली डिसीजन भी हो सकता है, बिजनेस या सोसाइटल डिसीजन भी हो सकता है. अब यहाँ पे स्केयरसिटी से क्या मतलब है? स्केयरसिटी मीन्स दैट ह्यूमन वांट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज एग्जीड्स व्हाट इज अवेलेबल. स्केयरसिटी का मतलब कि मनुष्यों की गुड्स और सर्विसेज की जो मांग है वो मौजूद रिसोर्सेज से कहीं ज़्यादा है. तो यहाँ पे स्केयरसिटी या कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संसाधनों की कमी, लेकिन मनुष्यों की जो डिमांड है उसका ज़्यादा होना, ये स्केयरसिटी क्रिएट करता है इकोनॉमी में. और स्केयरसिटी के चारों तरफ ही हर एक प्रॉब्लम्स घूमती हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम्स की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं. किस प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकें, इन प्रॉब्लम्स के लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है. नाउ एवरी इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन इज एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज और अदर. हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा आदमी हो, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड होता है. हर एक इंडिविजुअल कंजम्पशन करता है, और कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा. और जब हर एक इंडिविजुअल कंजम्पशन करता है तो उसको हम कंज्यूमर कहते हैं. और वो किस चीज़ का कंजम्पशन करता है? डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का. और किस लिए करता है? अपने नीड्स और वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सो हु इज़ अ कंज्यूमर? A consumer is one who consumes goods and services for the satisfaction of his needs and wants. अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति goods और services को consume करता है, उपभोग करता है, उसको हम consumer कहते हैं. और what is the act of consumption? So consumption is the process of using up utility value of goods and services for the direct satisfaction of our wants. Utility value of goods means inherent capacity of goods and services to satisfy human wants. तो consumption एक process होता है जिसके तहत जो भी consumer है वो goods और services के utility values को directly use करता है अपने needs और wants को satisfy करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
वो गुड्स और सर्विसेज के यूटिलिटी वैल्यू को इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, इसी प्रोसेस को हम कंजम्पशन कहते हैं। अब यूटिलिटी वैल्यूज़ क्या होती हैं, आपको इसको इस एक एग्जांपल से समझना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, आपको भूख लगती है तो आप भोजन करते हैं, आप खाना खाते हैं, और उस खाना खाने से, उस खाने से, उस भोजन से आपकी भूख मिट जाती है। यानी कि भूख लगने पे आपने खाने की डिमांड की, तो भूख खाने की इच्छा को पैदा करता है और उस भोजन की वो क्वालिटी जो कि आपके भूख को मिटा दे, वो उस भोजन की यूटिलिटी वैल्यू होती है। अगर आपको भूख न लगे या भूख न लगी हो तो क्या आप खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे। भूख लगने पे ही आप भोजन कर रहे हैं, आप भोजन की डिमांड कर रहे हैं, तो उस भोजन की वो क्वालिटीज़ जो कि आपकी इस इच्छा को, इस इच्छा की पूर्ति कर दे, वो यूटिलिटी वैल्यू कहलाती है। सो यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की वो इनहेरेंट कैपेसिटी होती है जो कि ह्यूमन नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर देती है, संतुष्ट कर देती है। यूटिलिटी वैल्यूज़ के बारे में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, और जो भी टीचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ही विल टीच यू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी वैल्यू। नाउ द सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, द सेकेंड वाइटल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक्स इज प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन इज अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मेनी ऑफ अस आर प्रोड्यूसर्स एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। जो भी इंडिविजुअल्स इकोनॉमी में हैं वो किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, और इन्हीं इंडिविजुअल्स में से कोई प्रोड्यूसर भी होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है इनकम को जनरेट करने के लिए। सो ए प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। एक प्रोड्यूसर वो व्यक्ति या वो इंस्टीट्यूशन होता है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, उनको सेल करता है इनकम को जनरेट करने के लिए। एंड व्हाट इज प्रोडक्शन? सो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि रॉ मटेरियल्स को हम यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं बाय वैल्यू एडिशन। रॉ मटेरियल्स में वैल्यू एडिशन करके हम रॉ मटेरियल्स को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि गेहूं है, गेहूं से हम आटा बनाते हैं, यानी कि गेहूं को पीसने के बाद हमने उसमें वैल्यू एडिशन किया और उससे आटा बनाया। तो डायरेक्ट गेहूं से तो हम रोटी बना नहीं सकते हैं, रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, तो गेहूं को हमने फ्लोर मिल में पीस दिया और पीसने के बाद फिर हमने उसे आटा बनाया और आटे से हम रोटियां बना रहे हैं, यानी कि हमने उसमें वैल्यू एडिशन किया, गेहूं में हमने वैल्यू एडिशन किया, और यही वैल्यू एडिशन किसी भी गुड्स की यूटिलिटी वैल्यू को बढ़ाता है। और कोई भी चीज़ यूजफुल तब होती है जब उसमें कोई यूटिलिटी वैल्यू इन्वॉल्व होती है, यूटिलिटी वैल्यू जुड़ी होती है। अगर किसी चीज़ में यूटिलिटी वैल्यू नहीं है तो वो चीज़ यूजफुल नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको भूख लगी है तभी आप खाना खाने जाएंगे, यानी कि खाने की यूटिलिटी वैल्यू तभी होगी जब आपको भूख लगी है। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो उस खाने की कोई भी यूटिलिटी आपके लिए नहीं है। हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए उस खाने की यूटिलिटी हो क्योंकि वो भूखा होगा, लेकिन उस समय आपको भूख नहीं लगी है यानी कि खाने की यूटिलिटी आपके लिए नहीं है। नाउ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मेनी ऑफ अस आर
सेवर एंड इन्वेस्टर्स, वी सेव अ पार्ट ऑफ आवर इनकम फॉर फ्यूचर कंजम्पशन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स टू जनरेट फर्दर इनकम. सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, और हम में से बहुत सारे लोग सेवर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं. आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स को सैलरी मिलती है अगर वो एम्प्लॉयड हैं, और अगर वो बिजनेसमैन हैं तो वो प्रॉफिट्स अर्न करते होंगे, और अपने कंजम्पशन के बाद जो भी पैसे बचते होंगे उसको या तो वो सेविंग अकाउंट्स में या अपने बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करते होंगे, या बॉन्ड्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करते होंगे. तो इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, हम सेविंग्स भी करते हैं. सो व्हाट इज सेविंग? सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड. इट इज एन एक्ट ऑफ एब्स्टिनेंस फ्रॉम कंजम्पशन. सेविंग इनकम का वो पार्ट होता है जिसको कि हम कंज्यूम नहीं करते हैं, हम उसको कंजम्पशन में एक्सपेंड नहीं करते हैं, स्पेंड नहीं करते हैं. यानी कि हमारे एक्सपेंडिचर के बाद, कंजम्पशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं उसके बाद जो भी इनकम का पार्ट बच जाता है उसको हम सेविंग कहते हैं. एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि एक प्रोड्यूसर ऐसे एसेट्स को खरीदने में खर्च करता है जिससे कि वो फर्दर इनकम जनरेट कर सके. यानी कि अगर मैं शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो शेयर्स और बॉन्ड्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, हमारे शेयर की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती है, तो वो बढ़ी हुई वैल्यू हमारे लिए प्रॉफिट होती है. यानी कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट हमने शेयर और बॉन्ड्स में किया है उस पर हम कुछ अर्न करते हैं. और ऐसे एसेट्स जो कि इनकम जनरेट करते हैं, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका घर जिसमें कि आप रहते हैं उसमें कुछ एक कमरे आपने किराए पे उठा दिया तो उससे आपको इनकम होती है. यानी कि आपका घर आपके लिए एसेट है, तो घर बनाने में कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, कुछ खर्चा किया गया होगा, और खर्चे के बाद घर को आप किराए पे देके उससे इनकम जनरेट करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट वो एक्सपेंडिचर होता है प्रोड्यूसर के द्वारा जो ऐसे एसेट्स को परचेज करता है जिससे कि वो इनकम जनरेट कर सके. दस वी आर कंज्यूमर प्रोड्यूसर सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स. तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं इकॉनमी में, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कंज्यूमर भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, सेवर्स और इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं. सो वी आर ऑल एंगेज्ड इन डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज. हम सभी किसी न किसी रूप से किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड मेनी मोर. नाउ विल डिफाइन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्केयर्स मीन्स, ऑल्सो कॉल्ड स्केयर्स रिसोर्सेज. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि स्केयर्स रिसोर्सेज के इस्तेमाल से संबंधित है. मीन्स आर ऑलवेज स्केयर्स इन रिलेशन टू आवर वॉन्ट्स. हमारी जो मांगे होती हैं उन मांग के अनुरूप जो भी संसाधन हैं वो स्केयर्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं. मान लीजिए आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, तो क्या फिर भी आप दुनिया की हर एक चीज़ को खरीद सकते हैं, हर एक चीज़ को पॉजेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. यानी कि हर एक चीज़ को पॉजेस करने के लिए भी आपके पास इतना संसाधन नहीं है, तभी तो आप नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए रिसोर्सेस हमेशा स्केयर्स होते हैं और नीड्स और वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होते हैं. तो वाइसफुली अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके, या हम मैक्सिमम लेवल पे अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, इसी की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज.
एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज. स्केयरसिटी इज द अंडर करेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि रिसोर्सेज हमेशा स्केयर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू आवर नीड्स एंड वॉन्ट्स, और रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज़ भी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 10 रुपये का नोट है तो आप उस 10 रुपये के नोट से 1 कप कॉफ़ी भी खरीद सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक भी खरीद सकते हैं. अगर 10 रुपये में कोई नोटबुक आती है तो आप नोटबुक भी खरीद सकते हैं या एक पेन भी खरीद सकते हैं. अब निश्चय ये करना है कि आप कौन सी चीज़ खरीदना चाहते हैं या किस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है. तो डिपेंड ऑन द नीड एंड वॉन्ट यू विल टेक द डिसीजन कि हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड दिस 10 रुपीज़ नोट. तो इस तरीके से दिस 10 रुपीज़ नोट और दिस रिसोर्स इज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज. लाइकवाइज, अ वर्कर मे रेंडर हिज सर्विसेज इन अ फैक्ट्री ए रेदर देन बी एंड सी. वैसे ही एक वर्कर जो है वो फैक्ट्री ए में काम कर सकता है, वो फैक्ट्री बी में भी काम कर सकता है, फैक्ट्री सी में भी काम कर सकता है, और उसका किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम करना इस बात पे निर्भर करता है कि उसको कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है. बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड मीन्स टू ऑल्टरनेटिव यूज. तो समस्या ये उत्पन्न होती है कि कहाँ पे हम अवेलेबल रिसोर्सेज का एलोकेशन करें जिससे कि हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिले या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. तो ये निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी ज़रूरत का एक्सटेंट क्या है, उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे या कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेगा कि उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो उसको कहाँ एलोकेट करेगा. एंड दिस इज़ कॉल्ड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विच गिव्स यू मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ च्वाइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, स्केयर्स रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूज़ अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड दीज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. सो ये एक समस्या है कि हम जो भी हमारे पास मौजूद संसाधन है उसको कहाँ पे एलोकेट करें. नाउ इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट वी मस्ट कन्फर्म ओविंग टू द फैक्ट दैट आवर मीन्स आर स्केयर्स इन रिलेशन टू आवर वॉन्ट्स एंड दैट द मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. If there is no scarcity, there is no economic problem, and there is no economics if there is no economic problem. तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अगर scarcity ही ना हो तो कोई economic problem उत्पन्न ही नहीं होगी, और जब कोई economic problem नहीं उत्पन्न होगी तो हम economics भी नहीं पढ़ेंगे या economics भी नहीं होगा, और जब economics नहीं होगा तो कोई economic problem भी नहीं होगी. लेकिन practically ये संभव नहीं होता है. जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज हमेशा स्केयर्स होते हैं और लिमिटेड होते हैं. दस रॉबिन्स डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. तो रॉबिन्स इकोनॉमिक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें कि हम मनुष्य के बिहेवियर को स्टडी करते हैं. मनुष्य के बिहेवियर को स्टडी हम इस बेसिस पे करते हैं कि वो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या अवेलेबल रिसोर्सेज का जो अल्टरनेटिव यूज़ है उसके बेसिस पे वो क्या डिसीजंस लेता है, वो किस तरीके से डिसीजंस लेता है. सो अल्टीमेटली दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. So students, this is for today, and the remaining portion of this chapter we will discuss it on next video. Till then, have a good day.